बॉलीवुड में आज ऐसा चमत्कार हुआ है जिसके होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। सलमान खान और अरिजीत सिंह की 9 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। जी हाँ, आपको शायद इस खबर पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा सच में हो चुका है। अरिजीत सिंह कल रात सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे। अरिजीत को सलमान खान के घर के बाहर स्पॉट भी किया गया। अरिजीत सिंह को सलमान के घर के बाहर देखकर लोग हैरान रह गए, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सलमान खान और अरिजीत सिंह का विवाद 9 साल पुराना है। एक अवार्ड शो में सलमान खान एंकरिंग कर रहे थे। इस दौरान स्टेज पर बैठे अरिजीत सिंह के हालत देखकर सलमान ने उनसे पूछा कि क्या आप सो रहे थे। इस पर अरिजीत ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों ने ऐसी एंकरिंग की कि मैं सो गया। बात सिर्फ इतनी सी हुई, लेकिन भाईजान इस पर नाराज हो गए। उन दिनों सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज होने वाली थी, जिसमें अरिजीत सिंह ने गाना गाया था, लेकिन सलमान ने रातों रात वो गाना फिल्म से हटा दिया था। अरिजीत को जैसे ही इस बात की भलक लगी तो उन्होंने सलमान खान से सारे आम माफी मांगी। अरिजीत ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सलमान से कहा कि वो फिल्म से गाना ना हटाए, लेकिन आप तो जानते ही है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद सलमान किसी की भी नहीं सुनते। सलमान ने अरिजीत सिंह को 9 सालों तक अपने किसी फिल्मों में गाना नहीं गाने दिया है। तब लोगों को ये लगा कि और लोगों की तरह ही सलमान से पंगा लेने के बाद अरिजीत सिंह का करियर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरिजीत सिंह बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप सिंगर्स में से एक बन गए। अब अरिजीत और सलमान की दुश्मनी का अंत हो गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरिजीत ने सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 के लिए कोई गाना गाया है। हालांकि अभी तक इसे लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आई है, लेकिन अरिजीत और सलमान की दुश्मनी खत्म होने से दोनों के फैंस काफी खुश हो गए हैं। वेल, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर दें और ऐसे बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।